दुकान फूड मेरी दिल्ली में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेके आई हुई हूँ राम प्रकाश दुर्गा प्रसाद की शॉप पे। और ये इनकी जो शॉप है ना, इसमें जो भी आप आइटम लोगे देसी घी में बनती है। इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है इनका हलवा, पतीसा और बेडमी पूड़ी। इवन ये जो बेडमी पूड़ी है वो भी देसी घी में ही सर्व करते हैं। जो बेडमी पूड़ी की कॉस्टिंग रहती है मात्र 50 रुपए रहती है, जिसमें कि आपको दो बेडमी पूड़ी मिल रही है। तो आई थिंक की प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अफोर्डेबल लग रहा है क्योंकि ये देसी घी में बना रहे हैं। तो चलिए ओनर से बात करते हैं, इनकी देसी घी की बेडमी पूड़ी को टेस्ट करेंगे, इनके देसी घी के हलवे को टेस्ट करेंगे और वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। हाय, मेरा नाम अनिरुद्ध है। हम लोग राम प्रकाश दुर्गा प्रसाद स्वीट से हैं, पहाड़गंज से। हमारा शॉप 1927 से है, स्टेशन के सामने। और हम लोग का सारी प्रिपरेशन हम लोग की देसी घी में होती है। तो हम लोग का बेडमी पूरी बहुत फेमस है, हम लोगों की सूजी हलवा बहुत फेमस है हमारा, और हमारा पतीसा बहुत फेमस है। यह थर्ड जनरेशन हम लोग, ये हमारी शॉप ब्रिटिशर्स के टाइम की है और स्टेशन के वैसे भी बहुत पहले की है शॉप। ये हमारी आलू की छोले की सब्जी होती है, ये आलू है हमारे, छोले होते हैं। इसके अंदर उड़द की दाल की कोफ्ते डालते हैं इसके अंदर, और ये मेथी की चटनी होती है, और ये आपका लौकी का अचार। लौकी का अचार देने का इसका भाई क्या कंसेप्ट है? ये ट्रेडिशनल चला आ रहा है हमारे यहाँ। नहीं, ये आपका समर्स में मिलता है, जो गाजर का अचार होता है वो आपका विंटर से मिलता है। आलू और छोले की सब्जी दोनों ही मिलती है कस्टमर्स को, अगर कोई ऑप्शनल चाहता है तो उसको सेपरेट मिल जाती है। ये हमारा सूजी हलवा है, जो देसी घी प्रिपेयर्ड है। ये इसके अंदर आपका केवल सूजी, चीनी और घी है, इसके अलावा कोई आइटम नहीं, एडिशनल आइटम नहीं है हम लोगों का। ये खस्ता कचौड़ी होती है, आलू और छोले की सब्जी के साथ मिलेगी आपको। भी आपको हमारे आलू और छोले की सब्जी के साथ होते हैं, और चटनी अब मैं आपको मीठी चटनी मिल जाएगी, मेथी चटनी मिल सकती है साथ में। ये आटा होता है बेडमी का, इसके अंदर दाल की स्टफिंग की जाती है, उड़द की दाल होती है। तो ये देखिए आप, इस तरीके से जो बेडमी पूड़ी है वो बेली जा रही है, ये डाल दिए कढ़ाई में और बढ़िया तरीके से पूड़ी को निकाल दिया जाएगा। और दो पूड़ी आप ऑलरेडी ऊपर देख सकते हो कि सिक गया और बढ़िया तरीके से सिक के आ चुकी है। करारी करारी खस्ता पूड़ी है वो यहाँ पे तैयार होके और सिक के आ चुके हैं, ये देखिए। तो अब हमारे यहाँ पे प्लेटिंग लगने जा रही है बेडमी पूड़ी की। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ये आलू की सब्जी है, तो आलू छोले की आप सेपरेट सब्जी भी ले सकते हो। और ये देखिए आपकी आलू की सब्जी है, उसमें थोड़े हल्का सा रोगन डाला है, और ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और छोले और कोफ्ते की भी सेपरेट सब्जी मैंने यहाँ पे सेपरेट लगवाई है, और अगर आप एक साथ इकट्ठी लेना चाहते हो तो इकट्ठी भी आप ले सकते हो। इसके साथ आपको मिलेगी मेथी की चटनी। मैं देख रही हूँ कि चटनी ये अलग से दे रहे हैं, वरना यूजुअली क्या होता है चटनी डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल प्लस पॉइंट है। तो एक प्लेट में आपको दो देसी घी की गर्मा गर्म बेडमी पूड़ियाँ मिलेंगी, ये या तो फूली फूली ले सकते हो या क्रश करके भी ले सकते हो। तो फाइनली मेरे पास राम प्रकाश दुर्गा प्रसाद पे मैं इनकी बेडमी पूड़ी और इनका देसी घी का हलवा यहाँ पे रख सकते हो। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जब बना भी नहीं था उससे पहले की ये शॉप है, तो मतलब इतनी पुरानी शॉप है, ऑलमोस्ट 96 ईयर से ये प्योर क्वालिटी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। आप अगर नॉर्मल अगर पूड़ी आप खाने जाते हैं बेडमी पूड़ी दिल्ली में, तो 30-40 रुपीज की तो आती है, वो भी देसी घी की नहीं होती है। बट आई थिंक की देसी घी के हिसाब से जो ये चीज़ दे रहे हैं तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी वर्थी है। पूरी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये देखिए, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। मैं दिखाती हूँ वॉइस, मगर माइक ने कैप्चर किया होगा, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची है। कोफ्ते के साथ इसको टेस्ट करूँगी क्योंकि आलू की तो बेडमी पूड़ी मैं खाती रहती हूँ, चटनी लगा देती थोड़ी सी और अचार के साथ। चलिए इस बाइट को हम टेस्ट कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट बाइट लिया, जो सबसे पहला जो आया है ना वो है देसी घी की खुशबू पूरे कोफ्ते की सब्जी के साथ। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और ये कॉम्बिनेशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, घिया के अचार के साथ मेथी की चटनी के साथ, जो सबका मिला के जो पुरानी दिल्ली का जो स्वाद निखर के आया ना, वाकई में बहुत लाजवाब है। जो ये हलवा है जिसका प्राइस है 100 ग्राम मिलेगा आपको 50 रुपये का, और ये भी देसी घी का बना हुआ है, और उसमें आप देख सकते हो कि नट्स कितनी बढ़िया डाली हुई है, आलमंड डाला है, पिस्ता डाला है, काजू डाला है। तो चलिए इस बाइट को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हो और अगर आप पुरानी दिल्ली नहीं जा पा रहे हो और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर निकल रहे हो ना, तो मैं कह रही हूँ कि चुपचाप आप यहाँ पे आइए इस शॉप पे और एक बार इनका हलवा ट्राई कीजिएगा। वाकई में बहुत गजब है, बहुत लाजवाब है, क्वालिटी बिल्कुल A1 है, टॉप नॉच है। जब मैं अपने मुँह से तारीफ कर रही हूँ, लेकिन जब आप आपके यहाँ पे आओगे और टेस्ट करोगे तभी आपको इनकी क्वालिटी का अंदाजा होगा कि वाकई में बहुत गजब क्वालिटी है। अंकल जी, आप यहाँ पे मजा ले रहे हो, पहले तो ट्रेन करो अब यहाँ नाश्ते का। बिल्कुल बेडमी पूड़ी और इनका हलवा ट्राई करने के बाद मेरा पेट तो भर चुका है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरा है। तो इसीलिए मैंने और आइटम्स देखी इनकी कि इनके पास क्या क्या है। तो इनके पास समोसा और कचौड़ीज भी है, और इनके पास जो इनका फेमस है पतीसा, तो मेरे को मैंने समोसा कचौड़ी में मैंने यहाँ पे समोसा लगवा लिया है और मैंने यहाँ पे पतीसा लिया है। समोसा भी देसी घी का है, और ये देखिए आप आलू का समोसा, फिलिंग कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बिल्कुल मसालेदार चटपटी लग रही है, और ये आलू की सब्जी के साथ आपको सर्व होकर मिलेगा। तो चलिए जो ये बाइट है समोसे की मैं ये टेस्ट कर लेती हूँ।
समोसे खा के ना बिल्कुल मजा ही आ गया। जो ऊपर की समोसे की कवरिंग है वो इतनी ज्यादा मोटी नहीं है, और जो मसाले है ना देसी घी का जो स्वाद उसमें आ रहा है वाकई में इतना ज्यादा गजब और लाजवाब आ रहा है। पुरानी दिल्ली का टेस्ट आपको यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गजब चीज़ है। अगर आपने अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के अगर आप पास आ रहे हो और दिल्ली का ब्रेकफास्ट आप एंजॉय करना चाहते हो, अब यहाँ पे नहीं आए हो ना तो आपने दिल्ली का ब्रेकफास्ट यहाँ पे ट्राई किया ही नहीं है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि एक बार यहाँ पे आइए और एक बार इनका ब्रेकफास्ट जरूर एंजॉय कीजिए। तो अगर आप यहाँ पे आते हो और इनका बार फूड ट्राई करते हो तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इनका फूड कैसा लगा, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं भी लगता है तो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इनके यहाँ पे क्या अच्छा नहीं लगा। वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि आपको यहाँ पे कुछ अच्छा ना लगे, क्योंकि वाकई में जो फूड है ना A1 है, वाकई में बहुत गजब है। ये शॉप नंबर 1 है, अमृत कौर मार्केट, अपोजिट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1। टाइमिंग हमारे मॉर्निंग 7 o'clock से लेके इवनिंग 10 o'clock तक है, और बेड़ी पूरी आपके सुबह 7 o'clock से 12 o'clock तक मिलती है आपको। 365 डेज ओपन है हमारी ये। कॉन्टैक्ट नंबर है 9999293770। क्योंकि जोमेटो पे हैं बट प्लेटफॉर्म डिलीवरी नहीं होता। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दिल्ली है दिल वालों की और फूड मेरी दिल्ली है खाने वालों की। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इनके समोसा और पतीसे पे ये वीडियो को फिनिश करूँगी और मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।